नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ विकास ठेकरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश के छठवें अवतार श्री द्विज गणपति के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री द्विज गणपति के दो गुण अहम हैं, पहला विद्या और दूसरा संपत्ति, और उनके भक्तों के द्वारा इन्हीं दो चीजों की कामना हेतु भगवान श्री द्विज गणपति की आराधना की जाती है। भगवान श्री गणेश इस अवतार श्री द्विज गणपति के चार मुख और चार हाथ हैं। उनके हाथों में कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र शास्त्र लिए हुए हैं। भगवान श्री गणेश के इस अवतार को द्विज गणपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री ब्रह्म की तरह दो बार जन्मे हैं। भगवान श्री द्विज गणपति के चार हाथ की तुलना चार वेदों से की जाती है। चार वेद जो वैदिक कालीन सभ्यता में लिखे गए थे, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ओरिगन सोरे मार्डेन ने कहा है, चिंता ने आज तक किसी काम को पूरा नहीं होने दिया है। वही भारतीय महापुरुष कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। सनातन धर्म कहता है कि 84 लाख योनि के बाद जीवन मिलता है, तो हमें इस जीवन को चिंता मुक्त होकर जीना चाहिए। जय हिंद।